का हो सब ठीक बनू? गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मैं रुका था आज रात को, मस्त एकदम जगह है, रूम से नज़ारे भी मस्त है। फॉरेस्ट ऑफिस में रुका था मैं, और ये रहा कुछ पीछे का नज़ारा, बहुत सारी नर्सरी है पेड़ पौधों का, बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर मुझे। सुबह सुबह का माहौल मस्त बना हुआ है, 6 बजे है अभी। तो गाइस सुबह सुबह का नज़ारा है, बहुत ही मज़ेदार, पूरा पीछे जंगल ही जंगल है और कुछ नर्सरी लगा है पेड़ पौधों का, मस्त माहौल बना हुआ है। मैं चलता हूँ अपने रूम में, फ्रेश हो चुका हूँ, अब सामान पैक करता हूँ, निकलता हूँ। तो यार अभी मैं निकल चुका हूँ पूरा एक्सप्लोर करने, और ये सामने जो है यहीं पे मैं रुका था, फॉरेस्ट व्यू ऑफिस है, पूरा इधर जंगल है। एक बहुत अच्छा सा रूम मिला मुझको, फॉरेस्ट ऑफिसर सर को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सुबह सुबह का कुछ इस तरह का नज़ारा है, अभी 7:30 बज रहे हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पार्क खुला होगा कि नहीं खुला होगा, इतना सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ। और एक बात यार इधर नोटिस कर रहा हूँ मैं, दुकान बहुत लेट से खुल रहा है और शाम को 7 बजे ही बंद हो जा रहा है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, पता नहीं क्यों ऐसा है इधर। तो यार अभी मैं ऑलमोस्ट डैम के पास आ चुका हूँ और मेरे रूम से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, उतना भी नहीं है, 1 किलोमीटर है अभी। और मैं पहली बार ऐसे रोड पे ब्लॉगिंग करते चल रहा हूँ, अभी लोग कैसे देख रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। और मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरे माइक का जो वायर है वो 20 फीट लंबा है, तो कुछ मोड़ के ऐसे जेब में रखना पड़ता है, देन उसके बाद एक कॉलर में लगाना पड़ता है, उसके बाद से थोड़ा आवाज़ में सुधार होता है। और यार यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, शायद इसलिए हो रहा है कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और डाउन में है, इसलिए इतना बारिश हो रहा है। अभी धूप है, अभी कब बादल आके बारिश बरस के चला जाए मालूम नहीं, इसलिए मैं हमेशा एक छाता अपने पास रखता हूँ बैग में, और कुछ कपड़े हैं और एक टॉवल है। अभी जाते हैं और डैम के पास नहा कर कपड़े चेंज करके ब्रश वगैरह करके उधर ही चाय पी के, और उसके बाद से फिर मुझे साइकिल और लगेज अपना पिक करना है, फॉरेस्ट ऑफिस में ही रखता हूँ अभी, देन पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद से पिकअप करूँगा जाके और फिर जाऊँगा। एक तो ये बस वाले भैया जी थोड़ा स्लो नहीं कर सकते, ये पानी रोड में पड़ा है वो ये ऊपर आएगा, इसलिए मुझे बच के जाना पड़ रहा है। यार अभी तो सब चीज़ बंद है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुका हूँ इधर, टिकट काउंटर वगैरह सब बंद है, देखता हूँ एक बार पूछता हूँ जाके। सर पार्क ओपन कब होगा? 7:00 ओपन, ओके थैंक यू सर। तो अभी एक टिकट लेना पड़ेगा मुझे, अंकल एक टिकट। तो अभी टिकट ले चुका हूँ जो कि 5 रुपये का है, मुझे अच्छे से याद है मैं 2018 में जब मैं यहाँ था तो 10 रुपये का था। और मैं जब आया था तो यहीं पे एक लगेज लेकर पहुँच गया था, मस्त जगह है। यार अभी मैं इस पार्क में इंटर कर चुका हूँ, जो कि बस मैं ही अकेला हूँ और कोई नहीं है इधर, मैं पाला हूँ, पूरा खाली खाली है, मज़ा आएगा, मुझे ऐसा ही चाहिए था ताकि मुझे ब्लॉग बनाने में कोई डिस्टर्ब ना हो।
कुछ आंटियाँ हैं उधर सफाई कर रही हैं पार्क की, और फाउंटेन चालू होगा कि नहीं अभी मालूम नहीं मेरे को, फाउंटेन बंद है अभी। इधर बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पावर प्लांट है, इसलिए सायरन बजता रहता है। और बस जिस बात का डर था वही हुआ, ये सब भी है रास्ते में, बस कोई मेरे पीछे ना पड़े। का हो सब ठीक बनू? हाँ कैसन समाज में बैठल बड़ो, जा नहा धो के सवेरे आवो। अरे हमारा लगे कुछ बा नहीं, का देब? अरे बाप रे बाप, ये सब तो बहुत ही फ्रेंडली है। बस 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 हो गया, बिस्किट लाना चाहिए था मुझे। अरे यार है इतना फ्रेंडली है क्या बताएं यार, कुछ लाना चाहिए था मेरे इनके लिए। यार इधर तो बाइक आया है अंदर, माय साइकिल, और ये रहा डैम। जब 2018 में मैं आया था तो वहीं पे मैं और सुनील मेरा भाई दोनों लोग यहाँ पे खड़े होकर पोज किए थे, मस्त फोटो खींचा था। पहले मैं उधर से होकर आता हूँ, ये फाउंटेन अभी बंद है, आई थिंक जब लोग आने लगेंगे तो चालू हो जाएगा। नहीं अभी तो इसका काम चल रहा है, मरम्मत का, टाइल्स वगैरह पूरा निकाल के रखे हैं। और यार इस पार्क में पहले बंदर थे सब, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिटरली गाइस कोई भी नहीं है मेरे अलावा इस पार्क में। मैं पहला बंदा हूँ जो टिकट खरीद के और पहले इंटर किया हूँ इस पार्क में, कोई भी नहीं है, बस कुछ अंकल आंटियाँ हैं जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ भी चाहता तो रात में स्टे कर लेता, लेकिन हमारा साइकिल अलाउ नहीं था अंदर, इसीलिए मेरे को उधर ही रुकना पड़ा। और कुछ बच्चे हैं, ए हे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट हैं। है मोटू पूरा खा के तंदुरुस्त हो चुके हैं, कुछ लाना चाहिए था मुझको, और अभी तो कुछ कोई बेचने वाला भी नहीं आया है पार्क में। मस्त है बॉस, लगे रहो ज़िंदगी में अपने, इन्जॉय करते रहो। तो यार मैं जिस वॉच टावर का बात कर रहा था वो वहाँ पे है, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, वो वाला वही है। वहाँ तक कैसे जाना है अभी पता करना पड़ेगा मुझको, फिर से जाएंगे वहाँ पे। देन एक इधर का भी डैम, थोड़ा इधर का भी फाटक थोड़ा ओपन है, देखते हैं कैसा है, उधर जाके थोड़ा देखेंगे। तो यार मैं यही सोच रहा था कि ये वाला ब्रिज किधर है, मुझको आए हुए 4-5 साल हो चुके हैं इसलिए थोड़ा भूल रहा था। इधर मिल गया वो वाला ब्रिज, मस्त। ओहो ये देखो डैम ओपन है थोड़ा थोड़ा, और कुछ ऐसा ही था जहाँ मैं आया था बीच में रास्ते में रोक के, ऐसा ही था, लेकिन ये दिखने में बहुत कम लग रहा है, इसका फ्लो इतना ज़्यादा है कि बहा ले जाएगा, इसलिए आज तो मैं वो रिक्स लेने वाला नहीं हूँ। कल तो दो अन्ना मिले उसलिए मैं वहाँ पे नहा लिया, और नहाना ज़रूरी था मेरे लिए। और उधर का कुछ नज़ारा ऐसा है, मस्त, ऊपर पावर प्लांट है जो कि बहुत धुआं उड़ रहा है वहाँ से, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये डैम, इधर भी पहाड़ी है और लास्ट में खाई में ये है। देन अभी एक ही गेट ओपन है वो वाला, थोड़ा थोड़ा, और ये नीचे वाला पावर प्लांट का है,
वहाँ से करंट जनरेट होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉच टावर की तरफ जाने के लिए, जो कि उसका मैं पता किया हूँ। और लिफ्ट से जाने के लिए 30 रुपया टिकट लगेगा, और सीढ़ियों से जाने के लिए, सीढ़ियों से जाके उस पर देखने के लिए 5 रुपया टिकट लगेगा। तो मैं तो सीढ़ियों से जाने वाला हूँ, क्यों ना बाबी शौक पालें। जब हम लोग 2018 में आए थे तो बहुत सारा इन्जॉय किए थे इधर, तो हम लोग ग्रुप में थे, सभी लोग थे, हमारे अंकल आंटी सभी लोग थे। तो आज तो मैं अकेला हूँ और कोई है भी नहीं इन्जॉय करने के लिए। मस्त एकदम चल रहा हूँ इधर से निकलने का, इधर से निकलूँगा कहीं मैं रॉन्ग रूट ना ले लूँ। कोई है भी नहीं जिससे पूछ कर जाऊँ किधर जाना है। और ये देखो हाँ, और इधर से पानी आता है इस फाउंटेन के लिए, और उसके बाद ये सीधे एक इधर भी डैम खुला है उधर भी जाता है, वहाँ का फोर्स बहुत ज़्यादा है, उधर चलते हैं। देखो यार भौंकने लगा मेरे को देख के। अरे बबुआ हम हैं, भोंक लो ससुर, आज तुम्हारा दिन है। हमरा के भोंक रहा बड़े कहो। अरे देखो ना ये विकलांग हालत में ये काम कर लू। अरे भाई ये तो एटीट्यूड गर्ल बन रहा है भाई। कहो सब ठीक बानू, खाई पीला होता का अच्छा से। हेना आंटी हाँ नान फर्स्ट ले कर्नाटक उत्तर प्रदेश कर्नाटक स्वल्प स्वल्प हाँ हाँ। ये आंटी हैं पूछ रही हैं कर्नाटक से हो, तो मैं बोला मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कनाडा थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। अरे यार ये सब कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए सुबह सुबह, क्या दिक्कत है इन लोग को। यहाँ से देखिए एक नवाब साहब आ रहे हैं, आइए आइए। यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर सुबह सुबह आके कुत्तों से सामना कर रहा हूँ। छे यार मुझे उधर जाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा कि वॉच टावर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। पार्क तो एकदम मस्त है यार, पहले इसका टिकट 10 रुपया था, अब 5 रुपया हो चुका है, जो कि और अच्छी बात है। तो यार देखो यार, तो देखो यार यहाँ का फोर्स, यहाँ पे अभी दो खुला है और बाकी थोड़ा थोड़ा अभी लीकेज है। मस्त एकदम माहौल बना है। ओ तेरी और मैं ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं मुझे कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है। और उस पहाड़ पे बादल हैं अभी, यार उस वॉच टावर पे तो मैं जा सकता हूँ वो वाला वॉच टावर पे, लेकिन इधर से रास्ता भी है, लेकिन यहाँ भी गेट है और वहाँ भी गेट है, तो मुश्किल है नहीं जा पाऊँगा। आई थिंक उधर से मेरे को जाना होगा।
ये दीवार दिखने पर ही बस छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी इसका मैं भूल चुका हूँ कितना हाइट है, मैं आर्टिकल पढ़ा था और इसका मैं पूरा गूगल पे पढ़ा था विकिपीडिया पे। मस्त है एकदम। और यार यही वो गेट है जहाँ पर एक सर थे जो आर्मी रिटायर सिक्योरिटी का काम करते थे इधर, वो उनसे उनके साथ फोटो खिंचाए थे हम लोग। पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। अफसोस इस बात का है कि मैं अकेला हूँ पूरे पार्क में, कोई भी नहीं है बात करने के लिए। अभी फिर मैं ये ब्रिज से उस पार जाऊँगा, देन चिड़ियाघर है उधर घूम के, उसके बाद से उस वॉच टावर पे जाऊंगा। मैं अभी उधर कभी नहीं गया हूँ यार। जब पिछली बार मैं जब आया था यहाँ पे तो वॉच टावर के ऊपर नहीं जा पाए थे हम लोग, फैमिली के साथ थे और कोई कुछ आइडिया नहीं था उधर कि वॉच टावर भी है उधर देखने के लिए, तो आज जाएंगे। ओ तो फिर से मैं उसी ब्रिज पे आ चुका हूँ। मस्त उधर गौ माता का एक पुतला है बहुत बड़ा, जैसे लग रहा है कि रियल है। वहाँ पे तो अभी मैं पार्क के बीचों बीच आ चुका हूँ, एकदम मस्त माहौल बना हुआ है पार्क में। मैं अकेला ही हूँ और सफाई करने वाली आंटी और अंकल भी थे। भी आगे भोले बाबा बैठे हैं मस्त एकदम, और उस किनारे किनारे फाउंटेन भी है उधर। यार इधर तो स्कूटी और साइकिल दिख रहा है, आई थिंक ये जो साफ सफाई कर रहे हैं उनका है, पब्लिक का नहीं अलाउ होगा क्योंकि इधर पार्किंग का कोई जगह नहीं है। यहाँ बैठे हैं हमारे महाकाल। और पीछे एक कपल भी आ चुका है, उनसे मैं दूर भागने की कोशिश करता हूँ। यह है एक जलपरी, तो यार सुबह सुबह आने का एक नुकसान हुआ मेरा, ये एक्वेरियम बंद है, इसमें बहुत प्रकार की मछलियां हैं। मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, इधर मैं घूम चुका हूँ पहले ही, आके देख चुका हूँ सब, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा इसके लिए सॉरी। और अभी मैं चलता हूँ लास्ट पार्क का आखिरी कोना पे, जहाँ मैं कल आया था, जहाँ से उस रास्ते से आना है। और यार यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कुत्ते के बच्चे हैं, छोटे छोटे टॉमीज। इसकी माँ भी इधर है, कहीं अग्रेसिव ना हो जाए। ओए अभी डर रहे हैं ये दोनों। तो यार अभी मैं बिना नहाए हुए शर्ट चेंज कर चुका हूँ, जो मैं पहले टी शर्ट पहना था और शर्ट पहन चुका हूँ क्योंकि फोटो थोड़ा अच्छे आए। और मैं अभी आ गया हूँ दूसरे छोर पे, उधर एक अंकल और आंटी बोट लेकर जा रहे हैं, जो कि उनका बोट में नीचे छेद है, आंटी बोट चला रही हैं और अंकल उस बोट से पानी निकाल के फेंक रहे हैं। मैं सुबह से ही आया हूँ इधर और कब 9 बज गए मेरे को मालूम ही नहीं चला, और मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रश भी नहीं किया हूँ, अभी जाके पहले ब्रश करूँगा, उसके बाद से वहाँ एक वॉच टावर है उस पर चढ़ के थोड़ा वीडियो बनाऊँगा, देन आगे निकलूँगा। तो बस निकलता हूँ अभी इस पार्क से।